खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। आज की बड़ी खबर लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ कुमकुम बिनवाल। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कल छत्तीसगढ़ में बीजेपी विधायक भीमा मंडावी की हत्या को लेकर बड़ा बयान दिया था। आपको याद होगा कल अमित शाह ने कहा था कि विधायक की हत्या में राजनीतिक साजिश की बू आ रही है, इसीलिए मुख्यमंत्री को इस मामले में सीबीआई जांच करानी चाहिए। अब इस मामले में एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में भूपेश बघेल ने अमित शाह को जवाब दिया है। भूपेश बघेल कह रहे हैं कि साजिश तो झीरम घाटी में हुई थी और इसकी फाइल एनआईए ने दबा दी। भूपेश बघेल ने कहा था कि वो विधायक मंडावी की हत्या की हर जांच के लिए तैयार है। 9 अप्रैल को याद दिला दे आपको नक्सली हमला हुआ था जिसमें बीजेपी विधायक भीमा मंडावी समेत 5 लोगों की निर्मम हत्या हुई थी। अब इस मामले में एबीपी न्यूज से की है एक्सक्लूसिव बातचीत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि विधायक की मौत पर उन्हें राजनीतिक साजिश की बू आ रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हमारे साथ हैं। अमित शाह ने कल बहुत बड़ा हमला आप पर किया है और कहा है ये राजनीतिक साजिश है। देखिए, पहली बात तो ये है कि झीरम घाटी में एनआईए ने जो जांच की थी, फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दी थी, हम एसआईटी गठन करके जांच करने की मांग की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने वापस किया नहीं है, तो सबसे बड़ा राजनीतिक साजिश तो वो था। दूसरी बात, इस घटना भीमा मंडावी की घटना की बात है तो उसके देख दुख तो है, किसी भी व्यक्ति की मौत होगी, दुख सबको होगा, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अभी ये लोग जिस प्रकार से बात कर रहे हैं, क्योंकि पूरी सुरक्षा दी गई थी, उन्होंने खुद वापस किया है, उसके बाद भी जांच करना चाहते हैं, तो हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन आचार संहिता लगा हुआ है और आचार संहिता लगे में सरकार को अपने तरफ से कोई घोषणा नहीं कर सकती। यदि कुछ चाहती है तो फिर निर्वाचन आयोग से सहमति लेनी पड़ेगी। और 9 तारीख की घटना है, हम 10 तारीख को पत्र लिख दिए हैं कि हमें न्यायिक जांच करने की अनुमति दी जाए, घोषणा करने की। हम पीछे भागने वाले नहीं है, न्यायिक जांच करेंगे और उसके अंडर में जांच एजेंसी भी करेंगे ताकि दूध का दूध और पानी की पानी हो सके। सर, अमित शाह कह रहे हैं आप तो डर गए, भूपेश बघेल सीबीआई से डर गए इसलिए उसको प्रदेश में नहीं आने दे रहे हैं। सीबीआई प्रतिबंध रमन सिंह की सरकार ने 2012 में किया था, राज्य सरकार ने प्रतिबंधित किया था। हम तो केवल ये है कि भारत सरकार में भी गजर नोटिफाइड हो जाए, ये पत्र हमने लिखा था। अमित शाह जी इतना झूठ बोलेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसकी कल्पना मैंने नहीं की थी। इतना बड़ा झूठा कि ऋण माफी के बारे में भी गलत सलत बयान ही कर रहे हैं, चावल के बारे में गलत सलत बयान कर रहे हैं हम। दूसरी बात ये कि आप जो कह रहे हैं ये आय पर चर्चा चाय पर चर्चा, ये क्या समझा जाए? मोदी जी को काउंटर कर रहे हैं क्या आप ये करके? जो न्याय पे योजना है, जो राहुल गांधी जी ने जो लॉन्च किया है, घोषणा किया है, उस पे चर्चा के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें 72,000 प्रति वर्ष हर परिवार को दिया जाएगा, जो गरीब लोग हैं जिनके 12,000 इनकम है उनको दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये कह रहे हैं कि अमित शाह जो है जो भी आरोप लगा रहे हैं, वो जब झीरम हमला हुआ था तब वो समझे कि कांग्रेस का कितना बड़ा नुकसान हुआ था, लेकिन फिर भी वो तैयार है किसी भी तरह जांच के लिए। आचार संहिता में सरकार कोई घोषणा नहीं कर सकती, विधायक को पूरी सुरक्षा दी गई थी और तमाम तरह की दलीलें मुख्यमंत्री अमित शाह के बयान के पीछे दे रहे हैं। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, एबीपी न्यूज रायपुर। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री एबीपी न्यूज एक्सक्लूसिव बातचीत में कहते हुए कि हमने तो घटना के तुरंत बाद दूसरे दिन ही न्यायिक जांच के लिए पत्र लिख दिया था, झूठ क्यों बोल रहे हैं अमित शाह। इन सब के बीच अब आपको सुनाते हैं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बीजेपी विधायक की हत्या को लेकर किस तरह से राज्य की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाए थे। मैंने देखा भीमा मंडावी के हत्या की जितनी डिटेल बाहर आती जाती है, उसका जैसे जैसे अभ्यास करते हैं, ये कोई सामान्य घटना नहीं, इसके अंदर एक राजनीतिक षड्यंत्र की बू आती है, बू आती है। भीमा मंडावी की पत्नी ने भी मांग की है कि इनकी हत्या की जांच सीबीआई को सौंपनी चाहिए, और मैं आज इस सभा के अंदर राज्य के मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूं कि अगर आपको कुछ छुपाना नहीं है, आपको कुछ छुपाने के लिए नहीं है, तो भीमा मंडावी की हत्या की जांच सीबीआई को देकर एक न्यूट्रल जांच करा दीजिए, तो दूध का दूध पानी का पानी।